धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस की कड़ी कार्यवाही में चोरी और मोटरसाइकिल गिरोहों का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें लगभग 5 किलो चांदी और 50 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि धार जिले के कुशी और बाग तथा टांडा क्षेत्रों में लगातार चोरी तथा लूट की घटनाएं घट रही हैं, जिसके लिए धार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में धार क्राइम ब्रांच और कुशी बाग पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर एक गिरोह को धर दबोचा, जिनके पास से लूट का सामान और चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। चोर गिरोह धार जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी कई लूट, डकैती और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि आरोपियों से और सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिससे और भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है। काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए एक लूट और चोरी का गैंग फेस किया है, जिसमें अभी 7 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें 4 लूट थाना बाग क्षेत्र से नीचे तो उसमें मशहूर का रिकवर हुआ है, जिसमें 4.5 किलो चांदी है और इन लोगों से 2 हथियार भी जब्त हुए हैं। उसके अलावा 50 मोटरसाइकिल विभिन्न चोरियों में जो देवास, इंदौर, बड़वानी और धार की रिकवर किया। अभी तक 7 आरोपी सर, क्या कारण है कि ज़्यादातर अपराधी देखिए कि हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और क्योंकि वहाँ काफ़ी क्रिमिनल साल रजिस्टर्ड है, वहाँ रजिस्टर्ड क्रिमिनल होने के कारण वहाँ ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं उसे भी जल्दी से ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।